हाँ जी बच्चों तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं मनी क्रिएशन तो मनी क्रिएशन का मतलब क्या हुआ क्रिएट करने का मतलब आप समझते ही है, बनाना तो मनी क्रिएशन मतलब पैसा बनाना सबसे पहला सवाल तो यही रहता है एक एक आम जो है नागरिक उसके मन में कि यार बैंक हमारा पैसा संभाल के रखता भी है पूरी सिक्योरिटी गार्ड के साथ में पूरा रिस्क उसका है हमें कुछ भी नहीं करना हमें बैंक को कुछ भी नहीं देना और जब मर्जी हम अपना पैसा उनसे निकाल भी सकते हैं और उसके बदले में वो हमें ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज भी दे देता है तो यार बैंक इतना कुछ हमारे लिए रात दिन लगा हुआ है हमारी सेवा में तो उसको उससे फायदा क्या है तो सबसे पहले आप इसके फायदे को समझेंगे वहीं से फिर कहानी निकल करके मनी क्रिएशन पर आएगा फिर वहीं से आपको बैंक का एक भारी भरकम प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्लियर है पूरी कहानी जुड़ी हुई है शुरुआत करते हैं इस कहानी की स्टार्टिंग से सबसे पहले बैंक का क्या काम है मान लीजिए यहां पर मैं एक बैंक की तरह काम कर रहा हूं ठीक है आप हैं पब्लिक आप हैं मेरे कस्टमर जो पैसे मुझ पर डिपॉजिट करवाते हैं तो मान लीजिए आप एक लाख रुपए मेरे पास में डिपॉजिट करवाएंगे और मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूं कि आपका पैसा मेरे पास पे सेफ है पूरा सिक्योर है और इसको इस पर मैं आपको पांच परसेंट आपको एक्स्ट्रा भी दूंगा मतलब मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा तो एक लाख रुपए का पांच परसेंट हुआ फाइव थाउजेंड तो एक साल के अंदर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा आपका एक लाख के ऊपर बन जाता है पांच हजार रुपए मैं एक्स्ट्रा भी दूंगा और आपसे बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए ठीक है तो अब सवाल उठता है कि भैया मैं प्रॉफिट कहां से कमाता हूं तो अब आपका यही एक लाख रुपए जो कोई लोन लेने के लिए कस्टमर में ऐसी कोई कस्टमर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोन लेने के लिए उधार मांगने के लिए मेरे पास में आ जाएगा तो मैं उसी को आपका पैसा जब दूंगा तो उससे मैं वो पांच परसेंट नहीं लूंगा ऐसे तो भैया मैं उससे लेके आपको दे दूंगा तो फिर मैंने क्या कमाया उससे पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट बोल दूंगा तो वहां पर अगर आप देखेंगे हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपका एक सवाल यहाँ पर जरूर पैदा होता है कि सर एक बात बताओ हमें कि हमने आपको एक लाख रुपए दिए ठीक है आपने हमारे एक लाख रुपए किसी और को लगाए ये भी चलो ठीक है और आपने उससे पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करा जिसको आपने उधार दिया तो आपको चलो पंद्रह हजार रुपए मिले तो चलो पांच हजार रुपए आपने मुझको दे दिए ब्याज के चलो दस हजार रुपए आपने अपने कमा लिए ये सारी कहानी समझ में आ रही है लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो मेरे एक लाख रुपए आप कह रहे हो आप एज अ कस्टमर आप क्या कह रहे हो मेरे एक लाख रुपए अगर आप किसी और को दे दोगे फिर जब मैं मांगने के लिए आऊंगा या जब मेरा दिल करे मैं निकालने के लिए आऊंगा तो मुझे लौटाओगे कहां से सवाल ये है क्लियर है ना तो यहां पर क्या है इसको हम क्या कहते हैं एक RBI जो है सबसे बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंकों में आरबीआई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बैंक के अंदर तो इसी के अंदर आरबीआई क्या कहती है एक आरबीआई होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ना इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम इसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं क्लियर है बात समझ गए तो ये हमारे पास में ये हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई ये बैंक क्या होता है ये बेसिकली गवर्नमेंट अपने बिहार पर एक बैंक स्टेब्लिश कर देती है सेंट्रल बैंक जिसका काम होता है करेंसी को इश्यू करना है, पैसे छापने वाला बैंक और इसकी जिम्मेदारी होती है कि सभी बैंकों के ऊपर नजर रखे कि कोई बैंक पब्लिक का पैसा लेकर के भाग नहीं जाए या कोई बैंक प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में कस्टमर का शोषण ना करें तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं है है? जैसे प्रिंसिपल स्कूल का सभी टीचरों को डिसिप्लिन में रखते हैं उसी तरीके से आपके पास में ये एक सेंट्रल बैंक है जो सभी कमर्शियल बैंक जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए जनता से जुड़े हुए हैं ये सेंट्रल बैंक आपसे जुड़ा हुआ नहीं है इसमें आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं ठीक है ना ये इनका इन, इनका काम होता है उस पर कंट्रोल करना है इसमें डिटेल में टॉपिक है अगला क्वेश्चन से मेरा सेंट्रल बैंक के ऊपर है पर फिलहाल आप ही समझिएगा तो आरबीआई का कंट्रोल करने का काम है तो आरबीआई कहती है कि भैया ऐसा ना हो कि जनता पैसा निकलवाने के लिए आए और आप पैसा ये बोलो कि भैया आपका पैसा तो हमने उधार पर चढ़ा दिया जब वो लौटाएगा तब ले लेना ऐसे अगर जनता का पैसा टाइम पर नहीं मिलेगा तो कोई पब्लिक पैसा बैंक में रखना नहीं चाहेगी और जब कोई पब्लिक बैंक में पैसा रखना नहीं चाहेगी तो भैया बैंक फिर उधार देगा कहां से जब बैंक उधार देगा नहीं तो जितने भी इंडस्ट्री हैं व्यवसाय हैं वो फिर स्टार्ट कहां से होंगी वो चलेंगी कहां से जब इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कहां से जब इंडस्ट्री चलेंगे नहीं तो गुड्स एंड सर्विसेस का प्रोडक्शन होगा कहां से हमें तो फिर बाहर से चीजें खरीदनी पड़ेंगी और वो भी इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पाएगी तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज के बिना भी सरवाइव करना पड़ेगा तो लाइफ बड़ी और जो चीज थोड़ी बहुत होंगी वो काफी एक्सपेंसिव होगी क्योंकि चीजें नहीं रही है बात समझ रहे हैं तो देश में महंगाई की स्थिति पैदा हो जाएगी देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की कमी हो जाएगी क्लियर है जनरेट हो जाएगा तो भैया इतना system, इतना भयंकर सिस्टम इतनी बैकवर्ड हो जाएगी और इकोनॉमी पूरी तरीके से फंस जाएगी तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि उसकी बैंकिंग सिस्टम पे किसी भी तरीके का कोई इश्यूज क्रिएट हो इसलिए आरबीआई ये चाहती है कि बैंकिंग सिस्टम तब तक काम जो है कर सकता है जब तक पब्लिक का बैंक भरोसा है पब्लिक का बैंक हटा तो इस सारा का सारा का जो है सिस्टम हो जाएगा क्लियर है ये जरूरी है जरूरी कि पब्लिक जब अपना पैसा निकलवाने आए तब उसका पैसा उसको निकाल कर दिया जा सके पहले होता था कि पब्लिक कुछ पैसे अपने पास में रखा करती थी घर में ए, रात बिरात को कोई इमरजेंसी आ जाए तो कुछ क्या करेंगे अब तो उस उस पैसे को भी सरकार ने चाहा कि बैंक में आए ताकि यह भी एज अ लोन लोगों चला जाए और इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गुड सर्विस उसके लिए सरकार ने एटीएम निकाल दिया आप रात को भी जाओ पैसा निकाल लेना बात समझे समझे तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग अपना पैसा एनी टाइम निकाल सकें लेकिन अब मेरा सवाल यही है कि जब मैं आपके पैसे को एज अ बैंक मैं अपने कस्टमर के पैसे को लोन पे दे दूंगा तो बताइए मेरा पैसा बचा नहीं अब जब आप मेरा पैसे अपने विदड्रॉल करवाने जाएंगे तो फिर मैं आपका पैसा यही तो बोल नहीं सकता ना कि आपका पैसा तो मैंने लोन पे चढ़ा दिया है तो इस इस समस्या के स, को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है ना एक एल आर आर नाम का एक जो है आ, आप लीगल रिजर्व रेशो या लिक्विडिटी रिजर्व रेशो भी कह देते हैं क्या कहा कि आपके पास में एक ये कौन कहता है ये सेंट्रल बैंक कहता है किसको कहता है सारे कमर्शियल बैंक को कहता है कि भैया रिजर्व रेशो ये आप अपने पास में ये कह दिया बीस परसेंट कि जितना आपके पास में डिपॉजिट होगा उसका सारा का सारा उठा करके लोन नहीं दे देना है उसका 20 परसेंट पैसा लाख रुपए का 20 परसेंट पैसा मतलब कि बीस हजार रुपए आप अपने पास में रखेंगे अपने बैंक में रखेंगे पब्लिक पैसा निकालने आएगा तो उसको पैसा दे देना तो बैंक ने ये नियम बना दिया है अब सवाल ये कि सर अगर वो पूरा एक लाख निकलवाने आ जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई इस बैंकिंग का कोई एक कस्टमर थोड़ी होता है बैंकिंग के तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं एक बैंक का और इतने सारे कस्टमर होते हैं डेली बेसिस पे डिपॉजिट्स भी होते हैं डेली बेसिस है सारा सारा निकलता नहीं है लब 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 20 करने के लिए लोग आते हैं अरे आपका एक लाख है आप निकाल लो पूरा दूसरे जो जमा करवाए मैं उसमें दे दूंगा आपको मेरी बात समझे ही नहीं समझे क्लियर है लेकिन मेरे पूरे बैंक में जितना जमा हुआ उसका तो बीस ही जाएगा ना विड्रॉल में मैक्सिमम जब मैक्सिमम बीस परसेंट ही तो जनता विड्रॉल करेगी ऐसा तो होगा नहीं कि भैया सारे, सारे, तो सारे के सारे कस्टमर जितने हुई थी है, कहानी बार। एक बार एक हुआ था ऐसा क्या हुआ था फिर वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में अभी नहीं पढ़ेंगे फिर भी बता रहा हूं आपको बीस परसेंट हम क्या बोलते हैं एल आर आर ठीक है ना लीगल रिजर्व रेशो जो बैंक को अपने डिपॉजिट का एक पोर्शन अपने पास में लिक्विडिटी के फॉर्म में लिक्विडिटी का मतलब हो गया जब जनता चाहे तब उसको वापस कर सके अपने पास में रखना पड़ जाएगा क्लियर है जी अपने पास में रखता है वो वो अलग बात है सीआरआर की बात आप जा रहे हैं मैं अभी बात पे चर्चा करूंगा जब फंक्शन सेंट्रल बैंक पढ़ूंगा मैं मनी क्रिएशन पढ़ा रहा हूं मैं टॉपिक पे रखना चाहूंगा आपको ठीक है अब आप कहोगे सर आप देखिए कहानी क्या बन रही है बैंक की एक लाख रुपए किससे बात शुरू हुई थी एक लाख का बीस परसेंट आपने अपने पास में रख लिया भैया बीस हजार का तो कुछ नहीं होगा ये आपके पास में जमा है बचे अस्सी हजार ठीक है पब्लिक को तो आपको पूरे एक लाख पे पांच परसेंट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्लियर है तो पब्लिक के जो पॉकेट में पैसा जाएगा जो इंटरेस्ट पे करोगे आप वो एक लाख का आपको पांच हजार रुपये आपको पब्लिक के पॉकेट डालना पड़ेगा लेकिन ये अस्सी हजार रुपये लोन पे चढ़ा रही है क्लियर है तो अस्सी हजार का पंद्रह परसेंट चार्ज करेगी भैया इतनी मासूम तो है नहीं पंद्रह परसेंट का मतलब हो गया जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो बैंक के पास में जो बैंक है हमारे पास में जो बैंक के बच्चे ठीक है ये बैंक के पास में कितना पैसा आएगा कि बैंक पंद्रह परसेंट तो दस परसेंट आठ हजार और पांच परसेंट चार हजार मतलब बारह हजार रुपये ब्याज बनता है तो बैंक के पॉकेट में कितना आया बारह हजार बैंक के पॉकेट में आया अब बात करते हैं कि बारह हजार रुपए बैंक के प्रॉफिट अभी रहने दो ना जितना पढ़ा रहा उतना पढ़िए बारह हजार में से फिर पांच हजार रुपये आप क्या करेंगे उस कस्टमर को आपने पे करा ना तो अभी भी आपका कितना बच रहा है सात हजार रुपये सात हजार रुपए ये क्या है आपका ये आपका बच्चे प्रॉफिट है ने कितना कमा लिया सात हजार रुपए प्रॉफिट कमा लिया कमाया नहीं कमाया तो वो कैश रेश होता है मैं इस पर लेकर नहीं जाना चाहता ना उस उसपे पढ़ेंगे जब टॉपिक आया नहीं मेरा बात करेंगे अभी उसके आप मुझे मालूम है प्रोसेस पे जा रहे हो प्रोसेस अभी शुरू ही नहीं करा मैंने मनी क्रिएशन का सिंपल से मैं समझा रहा हूँ बैंक को प्रॉफिट होता कैसे क्लियर है तो बैंक को प्रॉफिट हुआ कैसा बैंक को प्रॉफिट हमारे पास में सात हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ ये बात समझ में आपको अपने पास में बीस परसेंट रखने के बाद रेस्ट ऑफ मनी को लोन चढ़ाने के बाद भी बैंक कमा रही है क्लियर है आपको क्या लगता है कि बैंक इस एक लाख रुपए से इतना ही कमाएगी कितना कमाया है इससे इस लाख रुपए से बताओ कितना कमाया यहां पर एक लाख रुपए की बात हुई थी बैंक में डिपॉजिट एक लाख रुपए होता मैं एक, एक, एक समझा रहा हूं आपको अपने टेबल पर लेकर आऊंगा एक लाख रुपए की बात हुई थी ना एक लाख की बात हुई थी बैंक में जमा हुआ था बच्चे तो इसमें से बीस हजार रुपए अपने पास रख लिया था बाकी अस्सी हजार रुपए लोन दे दिया था बैंक ने जिसपे पंद्रह परसेंट बारह परसेंट बैंक को मिलेगा ब्याज और बैंक इसमें से पांच हजार रुपए कस्टमर को पॉकेट में डाल देगी तो बैंक का प्रॉफिट सात हजार हो गया तो बैंक ने कितना कमाया एक हजार रुपए अब बताता हूं, ने सात हजार ने कमाया सात हजार से ज्यादा कमाया कैसे जरा समझिएगा क्लियर है अब आप यह मान के चलिए कि पूरा बैंकिंग सिस्टम एक ही है अब यहां पर एक समय के लिए एक पल के लिए थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर एसबीआई की प्रॉफिट की बात कर रहा हूं यहां पर मैं यस yes बैंक की प्रॉफिट की बात कर रहा हूं यहां पर मैं पीएनबी बैंक की प्रॉफिट की बात कर रहा हूं या यहां पर मैं बैंक की प्रॉफिट की बात कर रहा हूं

कि भैया जो बैंक ने लोन दिया कितना लोन दिया था अस्सी हजार रुपए अब वो लोन भी बैंक किसके माध्यम से देगी चेक के माध्यम से बैंक भी जो आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक से तो बैंक क्या कर देगी चेक दे देगी आपको क्लियर है चेक दे देगी दे नहीं तो आपके अकाउंट में ही तो पैसा डालेगी आप लोन लेने आए बच्चे कि भाई मुझे लोन दे दो तो मैं आपको या तो चेक दे दूंगा या तो पैसा दूंगा भी, तो आपके अकाउंट में दूंगा थोड़ी क्या गड्डी लोन का पैसा तो अकाउंट में जाता है तो बैंक ने क्या करा वो पैसा अकाउंट में डाल दिया तो बेसिकली बैंक के पास में एक और डिपोजिट हो गया ऑटोमेटिक बात समझिए आप मुझसे लोन लेने आए थे वो छोड़ो उसको पाँच मिला वो साइड हुआ ठीक है आप मुझसे लोन लेने आए थे मैंने आपको क्या करा आपके अकाउंट में पैसा डाल दिए वो अकाउंट किसका मेरा मैं बैंक हूं ना मेरे यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है ना आपका एक तो तरीके से मैंने आपको पैसा दिया कैश मांग के चलो और आपने क्या अगर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक के पास डिपॉजिट आया या नहीं आया तो बैंक वो पैसा आपके हाथ में ना आपके अकाउंट में इसे डालती है ताकि बैंक एक तरीके से इनडायरेक्टली आपके व्यापार डिपोजिट कर देती है अपने ब्रांच में समझे अब बैंक के पास में क्या हुआ अब बैंक फिर से खुश होगी भाई साहब मजा आ गया ये जो अस्सी हजार रुपए मैंने लोन दिए थे उसको तो मैंने अपने अकाउंट में ही करा है किसी के अकाउंट में क्रेडिट है ना अपने ब्रांच में कराए तो बेसिकली आप जमा करवाए कोई जमा करवाए पैसा तो मेरे बैंक में जमा हुआ क्लियर है जी मैं मानता बंदा पैसा निकाल लेगा रहा है, को दे देगा। क्या करेगा? वो बैंक में जमा कर मैं क्या सारे अभी मत हो ना वही अब जरूरी नहीं कि भैया अरे भाई सारे बैंकों में एक बोल तो दिया मान लो यार कर्जा लिया था कोई बैंक में रखने के लिए नहीं रखा था मैं भी मानता हूं इस बात को आपने कर्जा लिया था भैया घर में शादी हो रही है बेटे की टेंट वाले को देने हैं या फिर मकान बन रहा है तो, को देने है। किसी हुआ हुआ तभी तो आपने लिया है। तो आपने कर्जा लिया बैंक से और ठेकेदार ठेकेदार को दे दिया ने तो मतलब की सोलह हजार रुपए अपने पास में लिक्विडिटी के तौर पर एल आर आर के फॉर्म में रख लेगी और बाकी पैसा एज अ लोन दे देगी लोन देने का मतलब ये हो गया कि आपका दस गया सत्तर और छह गया आपके पास में सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज बैंक लोन दे देगी और फिर यहां पे बैंक कमाएगी अब कमाएगी कैसे फिर से इस, इसको भैया जिस ठेकेदार ने पैसा जमा करवाया उसको कितना देगी तो दस परसेंट आठ हजार पांच परसेंट मतलब कितना चार हजार भाई मेरी बात समझे चार हजार दिया ना उसको पांच परसेंट और यहाँ से पंद्रह परसेंट लेगी ठीक है तो आपके पास में दस परसेंट ये हो गया चौसठ सौ और बत्तीस सौ पांच परसेंट हो गया है ना जीरो जीरो छः और नौ छानवे सौ रुपए बैंक ने यहाँ से कमा लिया आप कमाया नहीं कमा सॉरी छानवे सौ रुपए इंटरेस्ट यहाँ से ले लिया पंद्रह परसेंट ये हुआ ना छानवे सौ कितना लेगी इस पर बैंक

छप्पन और कमा लिया बात समझे नहीं तो ये तो आपका राउंड वन की कमाई थी ये राउंड टू की कमाई है अभी तक तो यही नजर आ रहा था कि एक लाख से सात हजार हजार कमा के बैठ गया वो सात हजार के नहीं बैठा भैया उसी से फिर से छप्पन सौ रुपए बना लिए तो क्या मनी का क्रिएशन हो रहा है मनी क्रिएट हो रहा है बैंकों का मनी क्रिएशन इसी को तो कहते हैं भैया बात समझे या नहीं समझे बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है उसी पैसे से क्लियर है ना और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है सेम पैसे से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है ना क्लियर है अब क्या होगा आप कहानी बताओ राउंड थ्री की कहानी बता दो जरा अब जिसको लोन मिला वो क्या करेगा राउंड थ्री की बात करते हैं ना भाई अच्छे समझ में आ रहा है ठीक तो है मनी क्रिएशन इतना बड़े समझ में नहीं आया कभी आपको इतना अच्छे से बताया मैंने हाँ जी देखिए राउंड थ्री की बात करते हैं भैया अब बैंक में पैसा घूम करके फिर से कितना आ गया चौसठ हजार रुपए है ना जिसको लोन दिया था भाई साहब उसने कहीं और जिसने लोन लिया था से आता है अपनी जोत के बैंक में जमा करवा दिया अब बैंक इसमें से फिर से क्या करेगी बीस परसेंट रख देगी एस एल आर भी बोलते हैं इसको ठीक है और एल आर आर भी बोलते हैं तो तो इसमें देखते हैं पहले इसका जो है बीस परसेंट कितना होगा तो चौसठ सौ का बीस परसेंट बारह हजार आठ सौ ठीक है जी क्लियर है और उसके बाद बाकी का रेस्ट ऑफ एट्टी परसेंट ठीक है एट्टी परसेंट में जीरो और आठ दो जीरो लगाना है आठ से आठ चौक बत्तीस तीन ठीक है ना आठ चिक अड़तालीस और तीन इक्यावन दो जीरो इक्यावन हजार दो सौ है ना वन हजार दो सौ हुआ बैंक ने लोन देगी बात समझे ये कहां चला गया लोन में और इस पर कितना कमाएगी पंद्रह परसेंट मेरी बात समझे क्लियर है तो पंद्रह परसेंट अगर इस पर बैंक कमाएगी तो देखते हैं तो खैर पंद्रह नीड नहीं क्या रुटर की क्या है दस परसेंट कितना हुआ दिस वन और पांच परसेंट कितना होगा पांच हजार का पच्चीस सौ पंद्रह परसेंट निकाल लेते ना तीन बटे बीस ठीक है जी जीरो से जीरो कट गया सॉल्व करेंगे दो दो चार एक दो पंच दस दो छः बारह जीरो गुणा तीन जीरो अट्ठारह एक पंद्रह और एक सोलह और एक छः और एक सात क्लियर है जी तो कितना इंटरेस्ट मिला बैंक को छिहत्तर सौ अस्सी रुपए इंटरेस्ट मिला और बैंक इसका कितना पे करेगी पांच परसेंट देगी ना किसका इसी का इसी का पांच परसेंट जिसने डिपॉजिट करा है और पांच परसेंट मैंने यहाँ पर आठ हज़ार अस्सी हजार का ले ठीक है हाँ तो इसका पांच परसेंट बैंक क्या करेगी दे देगी ना पांच परसेंट का मतलब क्या हुआ इसका आधा तो दो नहीं चार एक दो पंच दस दो छः बारह तो 2560 तो भैया आप यहां पर देखिएगा बैंक पे कितना छिहत्तर अस्सी आया था उससे पहले कितना छप्पन आया था नहीं छियानबे आया था ठीक है तो अब छिहत्तर अस्सी बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया 2560 इंटरेस्ट पे करा तो 20 एक और आपके पास पांच इक्यावन सौ बीस बैंक ने यहां पर कमा लिया ठीक है तो थर्ड राउंड में बैंक ने कितना कमाया इक्यावन सौ बीस मेरी बात समझे या नहीं समझे इसी तरीके से इस पैसे डिपॉजिट होते रहेंगे और पैसा एस में जाता रहेगा जब तक कि एक लाख आर में नहीं चला जाता है, एक क्या हो रहा है? में जा रहा है ना पहले बीस हजार में वेरी कर सकता है बटको मैं कंसर्प समझा रहा हूं यहां पर अब वो सिक्स पॉइंट टू फाइव थ्री फाइव पॉइंट टू फाइव बहुत थोड़ी मैं बता रहा हूं आपको मनी क्रिएशन होता क्या है क्लियर है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका मनी क्रिएशन हो रहा है यह कब तक होता रहेगा जब तक कि आपका पूरा का पूरा जो आपका इनिशियल डिपॉजिट था वो एल आर आर में ट्रांसफर नहीं हो जाता है क्लियर है और मनी क्रिएशन कितना होगा वो मैं बता देता हूं आपको वो मनी क्रिएशन आपका एक लाख और जो एल आर आर का रेट है वो कितना है बीस परसेंट नीचे रख दो और गुणा सो कर दो इससे पता लग जाएगा आपको तो आपको बीस पंचे सो तो आपके पास में कुल मिलाकर करके पांच लाख का लोन दिया उसने एक लाख रुपए मतलब बैंक पर अगर आप एक लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो उसने पांच लाख का लोन बनाया उससे बात समझे या नहीं समझे अभी तक आपको तो यही लग रहा था इस टॉपिक से पहले कि बैंक में एक लाख जमा हुआ बीस परसेंट रखा अस्सी हजार का लोन बनाया जबकि ऐसा बैंक उससे लोन कितना क्रिएट कर देती है पांच लाख का लोन क्रिएट कर दिया क्लियर है बात समझे क्लियर है ना अब कुल मिला करके आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसी को कहते हैं मनी क्रिएशन मनी क्रिएशन कुछ नहीं है अब इसी बात को आप समझिएगा जरा इनिशियल डिपॉजिट यहां पे मैं एक हजार से लेके चल रहा हूं क्लियर है भैया कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन में क्या सही, क्या... क्या सही है क्या ठीक है ना कैलकुलेशन बेटा आप कर लेना क्या सही है क्या गलत है मैं कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप प्लीज कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए ठीक है जी क्लियर है अब आइए ये क्या कहता है मनी क्रिशन एक टेबल बना दिया इसने. टेबल बड़ा आसान है कह रहा भैया बैंक में कोई कस्टमर हजार रुपए जमा करने आया लोन के तौर पर आठ सौ रुपए दे देता है क्योंकि बीस परसेंट को रिजर्व रखना पड़ता है एलआरआर एल ठीक है ना और यहां पर आ, राउंड वन में फिर क्या होता है वो आठ सौ रुपए फिर से लोन चला जाता है वो डिपॉजिट हो जाता है ना आठ फिर 800 का 20 परसेंट तो अपने पास में रखेगा और 600 देखिए पहले क्या हुआ बैंक के पास में एक हजार तो बैंक के पास आके जमा हो जाएगा डिपॉजिट हो जाएगा बैंक फिर इसमें से बीस अपने पास रखेगा डिपॉजिट का फिर बाकी रेस्ट ऑफ लोन दे देगा ये टेबल पहले बना लो फिर माइनस करके लिखते रहो तो ज्यादा बेटर है ना हाँ, फिर वो बनाओ लोन वाले ज्यादा बेटर है ठीक है उसके बाद राउंड थ्री में क्या होगा कि वो जो पैसा आप बैंक ने लोन दिया बैंक में वापस जमा हो गया इसका बीस परसेंट बैंक ने अपने पास रख लिया और रेस्ट्रो पैसा फिर लोन पे दे दिया ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और आपके पास में ये आपके पास में एक हजार जो है बीस परसेंट के बराबर हो गया वही निकाला ना आपने ये कितना बन गया आपका पाँच हजार क्लियर है बात समझे और शुरू का एक हजार पूरा का पूरा आपका रिजर्व में चला जाता है यहां पर जो आप डिपॉजिट होता है और बाकी रेस्ट ऑफ क्या होता है आपका लोन तो लोन आपका चार एक हजार तो पूरा रिजर्व में चला गया ना उसका तो बेसिकली अगर आप कोई बैंक में हजार रुपये रख रहा है तो उसने लोन कितना बनाया चार हजार का हजार रुपये तो वापस रिजर्व में चला गया था ना उसके तो अब वो पैसा रिजर्व में उसके आ भी गया और इकोनॉमी में लोन घूम रहा है समझ रहे हो आप क्या कहानी चल रही है इसे क्या कहते हैं इसे मनी क्रिएशन कहते हैं थ्योरी पढ़ते हैं थ्योरी क्या कहता है भैया कुछ बातें हैं जिससे पढ़ लेते हैं द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज अ वन यूनिट एंड टर्म एज बैंक पहली बात क्या कह रहा है कि सारे बैंकिंग सिस्टम को एक यूनिट कंसिडर किया गया इस टॉपिक को समझने के लिए और उसको क्या कह रहे हैं banks कह रहे हैं ठीक है अगली बात ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोमी आर द रोटेड थ्रो द बैंक बैंक के थ्रू ही रोटेट हो रहा है ऐसा नहीं कि आप पैदल लेने आए मैंने आपको कैश दिया आप ऐसे रस्ते में उड़ाते हुए जा रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है क्लियर है ना जी बात समझ रहे हैं बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर डाउटेड थ्रू द बैंक ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू द चेक एंड ऑल द रिसिप्ट एंड डिपॉजिट इन द बैंक लेट एस नाउ द अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जाम्पल सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इन बैंक इज दुपीज 1000 एल आर आर इज ट्वेंटी It means banks are required to keep only. ये रुपीज का सिंबल होगा ये ठीक है ना क्लियर ओपन द अकाउंट इन द नेम्स ऑफ द बोरोस हु आर द फ्री टू विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ द कोई लोन लेने आता तो थोड़ी उसके हाथ में लोन पकड़ा दिया जाता है Bank. बैंक उसको उसका खाता खोलता है अपने बैंक में फिर उसे खाते हैं पैसा डालता है बात समझ रहे हैं आप क्लियर है ये रूल है आरबीआई का तो इस तो हम्म क्या, क्या पूछ रहे हो बता रहे क्या पूछ रहे हो जो जो हाँ वो जो इनिशियल डिपॉजिट है सारा का सारा

अगेन चलेगा समझे या नहीं समझे भैया जो थ्योरी में पढ़ाया टेबल में पढ़ाया वही बात पढ़ाया नहीं पढ़ाया आया ना बोलो क्लियर है कोई डाउट किसी बच्चे को अब बारी किसकी आती है सेंट्रल बैंक की क्लियर है अब सेंट्रल बैंक की बारी आती है तो इस सेंट्रल बैंक को दस मिनट में तो कवर करना मुश्किल है तो उब... चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर भी सेंट्रल बैंक के बारे में सेंट्रल बैंक क्या होता है एक कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जिसमें आप अपना अकाउंट डिपॉजिट अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो सारे बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं जिसका मोटिव ही है प्रॉफिट अर्न करना लेकिन इन बैंक को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हो गया तो बैंक के डिफॉल्ट होने से क्या होगा कि पब्लिक का फेथ बैंकिंग सिस्टम से हट जाएगा लोगों का पैसा डूब गया तो तो फेथ पब्लिक का हटा तो आपको मालूम है कि बैंकिंग सिस्टम पूरा कोलेप्स होगा और उससे इकोनॉमी को कितना हार्म पहुंचेगा इसकी ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो लोन देने वाला कोई नहीं है इंडस्ट्री को और जब इंडस्ट्री को लोन देने वाला नहीं है तो इंडस्ट्री स्टार्ट कहां से होगी या रन कैसे करेगी और जब इंडस्ट्री स्टार्ट और रन नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां जनरेट होगा जब स्टार्ट और रन नहीं करेगी तो गुड्स एंड सर्विस का प्रलक्शन कहां से होगा तो कंट्री के इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रलक्शन भी नहीं होगा कम होगा और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी लेवल भी कम होगा तो जब इकोनॉमी थोड़ी सी चीजें रहेंगी तो महंगी होगी बिकेंगी तो इन्फ्लेशन भी आएगा बेरोजगारी भी आएगा एक तो वैसे ही पैसा नहीं है बेरोजगार बैठा हो ऊपर से अगर महंगाई भी बहुत है बस सोचिए ना यार अगर आपके पास पैसा, पैसा कम है तो आपके लिए कुछ ही खरीदना वैसे मुश्किल हो जाती है से महंगाई बढ़ जाए फिर क्या होगा आपके साथ में फिर सर्वाइव करने के लिए क्राइम्स बढ़ जाएंगे बढ़ेंगे नहीं बढ़े क्राइम तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है कंट्री पूरी इकोनॉमी पूरा क्लैप्स होगा तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर लोगों का फेथ रहना जब तक फेथ है लोगों का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर तब तक, तक ये सिस्टम चलेगा जब लोगों का फेथ हटेगा तब ये सिस्टम पूरी तरीके से कोलेप्स होगा ठीक है तो लोगों के फेथ कैसे रहे अब बैंकिंग इतने सारे बैंक खुले हुए कौन सा बैंक कैसे काम कर रहा है तो बैंकों को कंट्रोल एक रेगुलेट करने के लिए शायद बैंकों के पास में वो अवेयरनेस वो नॉलेज नहीं हो जिससे वो बैंक चला रहा है लेकिन बैंक की लाइसेंस भी इतनी आसानी से आप कोई बैंक खोल दे आप कहे आपने एक लगा दिया अपने नाम का बैंक राहुल बैंक सुबह शाम पैसा जमा हुआ रात को आप निकल के राहुल तो मिल जाता ओपन बैंक बैंक करने के लिए परमिशन गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने इन सब काम के लिए किसको एक, एक, एक 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 सिस्टम एक ऐसी बॉडी बनाई जो कि आप कह सकते हो पिताजी है पिता का काम क्या होता है पिता काम होता है केयर करते हैं क्लियर है ना अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको डांट भी पड़ेगी है ना और अगर आप मुसीबत में हैं तो आपको वो हेल्प भी करेंगे फादर का ये तो काम होता है पिताजी का काम क्या होता है आप ही केयर करते हैं ताकि अरे गिर ना जाओ अरे ये मत खाओ सेहत को नुकसान पहुंचेगा अरे पढ़ाई कर लो नहीं तो फिर आप बेरोजगार घूमोगे पिता का, का काम क्या है केयर करना फादर का दूसरा काम क्या है अगर आपने कोई गलत करा कुछ गलत काम करा तो डांट पड़ेगी पिटाई पड़ेगी और तीसरा काम अगर आप मुसीबत में हैं, बीमार पड़ गया कुछ हुआ तो पिताजी आपको साथ खड़े रहेंगे आपको जो है उस मुसीबत से निकालेंगे तीन काम होता है ना तो यही इन कमर्शियल बैंक का पिताजी बनाने का बनाना बहुत जरूरी था समझे और इनका पिताजी कमर्शियल कमर्शियल बैंक का और इनके पिताजी का नाम है सेंट्रल बैंक क्लियर है जी समझे तो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है इनके केयरिंग करता है कि भैया ऐसे लोन दो ऐसे इंटरेस्ट लो ये ये चीजें लोग भी चेक करो लोन लेने वक्त ताकि लोग डिफॉल्ट ना हो जाए आपके पैसे लेके भाग ना जाए तो सारे नियम बनाता है ये कमर्शियल कमर्शियल बैंक बैंक के लिए इससे का नुकसान ना हो केयरिंग कर रहा है क्लियर है समझ गए बैंकों ने अगर कुछ घपला करा तो पनिश भी होगा कानूनी कार्यवाही भी होगी अगर बैंक फंस गया मुसीबत में है तो सेंट्रल बैंक पैसे दे करके उसको हेल्प भी करेगी समझे समझे कैसे करेगी किस हद तक करेगी इसके लिए आपको अगली कक्षा में आना पड़ेगा बात समझे क्लियर है भैया समझ में आया कोई डाउट तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में